आज भारतीय जनता पार्टी अपने नेता एवं जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मना रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सबसे पहले कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के लिए आमरण अनशन की शुरुआत की थी और इस कारण वे जेल भी गए थे। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। बीजेपी सरकार जहां हिंदुत्व की राह पर आगे चल रही है, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही सपना था कि देश सांस्कृतिक अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़े। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने उन्हें नमन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। आज श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती है। एक इंसान की विद्या किसी देश के लिए, अपने देश के लिए इतनी काम आ सकती है, ये एक उदाहरण था। आज जो हम पंजाब को और वेस्ट बंगाल को भारत का अभिन्न अंग देखते हैं, मैं मानता हूं कि एक पार्ट है, पंजाब भी पार्ट है और वेस्ट बंगाल भी पार्ट है, लेकिन वो पार्ट नहीं होता क्योंकि ये दोनों प्रदेशों में मुस्लिम लीग की बहुलता थी, जो कि पाकिस्तान में मिल जाते, लेकिन इन्होंने अपनी पत्रकारिता के दम पर उसका विभाजन करवाया। उनका बहुत बड़ा हाथ था। कश्मीर में भी वो वही चाहते थे और ये चाहते थे कि एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। इस नारे को लेकर उन्होंने अपनी सोच को लेकर एक मकसद बनाया और कोई भी इंसान सिर्फ मकसद से ही जुड़ता है। इसी वजह से उन्होंने 1991 में जनसंघ की पार्टी बनाई और जो कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 करोड़ लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं। वो एक मकसद के लिए, जो मकसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, जो सोच थी वो मकसद बना। जो मकसद सबके लिए हो जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है, वही मकसद अमर हो जाता है। ऐसे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।